प्रधानमंत्री होकर इतना बड़ा वो झूठ बोल गए, वो सिर्फ हम ही को नहीं सारे राज्य को लोगों को ठेस पहुंचा। उत्तर 24 परगना के भाटपाड़ा के क्षेत्र के जिलेबिया मैदान में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने टीएमसी को निशाना साधते हुए कहा था, बंगाल में टीएमसी सरकार राम का नाम नहीं लेने देती है और न ही राम नवमी मनाने देती है। उसी के जवाब में बुधवार टीएमसी की एक पदसभा के बाद लेनिन नगर में हिंदी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष अमित गुप्ता जी ने जवाब देते हुए क्या कुछ कहा, पूरी खबर विस्तार से देखें। ये वो देश के प्रधानमंत्री है और प्रधानमंत्री को हम लोग हमेशा सम्मान देते हैं, किंतु उस दिन बड़ा तकलीफ लगा जब एक प्रधानमंत्री होकर इतना बड़ा वो झूठ बोल गए, वो सिर्फ हम ही को नहीं सारे राज्य को लोगों को ठेस पहुंचा, क्योंकि राज्य के लोग आंखों देखी देखते हैं कि पश्चिम बंगाल राज्य में कोने कोने में रामनवमी का जुलूस निकलता है और उस जुलूस में तो हम लोग तृणमूल करने वाले भी शामिल होते हैं, हम लोग जनप्रतिनिधि हर जगह शामिल होते हैं। तो जब ये कैमरा में भी आपका कैद है कि रामनवमी में बड़ा बड़ा जुलूस निकला, कहाँ नहीं निकला, गरुलिया में नहीं निकला कि भाटपाड़ा में नहीं निकला कि बैरकपुर में नहीं निकला कि हमारे पार्थोभूमि खुद जुलूस किए हैं आपके गौरीपुर में, तो हर जगह तो हुआ जुलूस, तो फिर इतना बड़ा झूठ। खैर उनसे और आशा भी क्या किया जा सकता है, उनका हर गारंटी तो बाद में जाकर जुमला ही निकलता है, तो जुमलाबाज तो है ही, झूठ बोलना उनका आदत है। बोलिए, आज की इस सभा से क्या पैगाम दीजिएगा? यही पैगाम देंगे कि ऐसे जुमलेबाज और झूठे लोगों के चक्कर में ना फंसे। दीदी जो बोलती है वो करती है, दीदी जो महसूस करती है नहीं भी बोलती है किंतु वो लोगों के लिए करती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है लक्की भंडार का दुगना होना। लक्की भंडार दुगना दीदी करेगी कि कभी वादा नहीं की थी ना गारंटी दी थी, किंतु दीदी ने महसूस किया कि मोदी और अमित शाह की सरकार ने जिस तरह पेट्रोल का दाम 100 रुपया पार, गैस का दाम 1000 रुपया पार, जिस तरह का महंगाई लाया, तो हमारी माता बहन उस महंगाई से कैसे लड़ाई लड़ेगी। तो हमारे माता बहनों का हाथ शक्तिशाली करने के लिए दीदी लक्की भंडार को दुगना कर दी। तो आज ऐसी नेत्री का हम लोग का जरूरत है जो हम लोग का दर्द महसूस करे। तो ममता बनर्जी दर्द महसूस करती है, लोगों को समझती है और सारा देश, ना केवल पश्चिम बंगाल, सारा देश ममता बनर्जी की ओर देख रहा है कि अगर मोदी अमित शाह जैसे ताकत को कोई मात दे सकता है तो उसका नाम ममता बनर्जी।